तो इस वक्त हम फेयरबैंक में पहुंच चुके हैं और अब मेरा फ्रेश होने का टाइम है, तो मैं जा रहा हूं शावर लेने। पहली बार गाड़ी के अंदर शावर लेंगे। और अब जो है हम फेयरबैंक से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहां आप देखकर हैरान होंगे। दोस्तों, इस वक्त आरवी में ड्राइव कर रहा हूँ। रात को 2:30 बजे का टाइम है और बाहर देखें किस तरह का माहौल है। ये है रात का मंजर अलास्का के हाईवे पर, और बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा कि कोई अंधेरा है, रात है, कुछ भी नहीं है भाई। चले जा रहे हैं, दिन की रोशनी है। हमने इस ट्रिप के लिए ये ड्रोन कैमरा लिया है जनाब मोहतरम हमारे अदनान साहब ने, और इन्होंने कहा कि भाई इस ट्रिप को यादगार बनाना है तो विदाउट हम इसके नहीं जा पाएंगे। तो बहरहाल एक ये लिया और एक स्टारलिंक का हमने इंटरनेट लिया है जो रास्ते में हमें काम आएगा। तो अब अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अदनान साहब भाई बहुत शुक्रिया आपने, मैं तो नहीं लेना चाह रहा था लेकिन आपने इस चीज़ पर किया है। मज़ा आएगा ना, व्यूअर्स को भी देखने में मज़ा आएगा। तो ये दोस्तों ने खर्चा किया है, मैंने नहीं किया है। और ये ड्रोन कुछ जगहों पे कानूनी मसले हैं तो इसलिए हम यूज नहीं कर पाते। बिस्मिल्लाह, ये देख रहे हैं, वाह वाटर प्रूफ है पूरा। यस, बिस्मिल्लाह। ओए होए होए होए, ठंडे ठंडे मौसम में बाहर बड़े बड़े पहाड़, और ये है देनाली के पहाड़ आ गए हैं भाई। दोस्तों मैं आपको क्या बोलूँ, गुड मॉर्निंग बोलूँ, गुड नाइट बोलूँ, शब बखैर बोलूँ, कुछ बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना मेरे पीछे रोशनी, ये रोशनी है रात के 3 बजे की। तो 3 बजे जब ऐसा नज़ारा हो तो मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि मैं क्या बोलूँ आपको। ड्राइव करके हम पहुँचे हैं देनाली के बिल्कुल करीब, और अब हम ड्रोन उड़ा रहे हैं और यहाँ का ना बेहतरीन सीन दिखाने वाले हैं आपको, बहुत बहुत ज़बरदस्त। ये तो पहाड़ों के बिल्कुल दामन में हम आ चुके हैं, और अदनान भाई ने ड्रोन स्टार्ट कर दिया है। इस वक्त देनाली के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और यहाँ जो फजर का टाइम हुआ है वो 3:30 बजे हो चुका है। अब यहाँ से सनराइज होने वाला है। सूरज मतलब बिल्कुल कोई 1 घंटे के लिए अंदर गया था और अब दोबारा बाहर आ रहा है, तो उसकी सूरज की किरणें भी हमें नज़र आ रही हैं। और इतना एक समझे ना अनोखा लग रहा है कि ऐसे एरिया में है जहाँ रोशनी ही रोशनी है। और अब थोड़ी देर के अंदर ही फजर हो चुका है। शाम भी देर से होती है, रात को 12:30-1 बजे शाम होती है, और फजर जो है वो सिर्फ 3:30 बजे के टाइम पे हो चुका है। तो इस वक्त रोशनी ये सुबह की है। तो देखें कि कितना एक अनोखा एरिया है, कितनी एक नई चीज़ें हैं अल्लाह ताला की तरफ से, एक कुदरत के करिश्मे, कुदरत के मौजूदों से भरा हुआ ये एरिया है। ये है सुबह सुबह का मंजर, और जब ये देखें ना सुबह की किरणें कैसे बाहर आना शुरू हो चुकी हैं। आसमान में आपने थोड़ा सा येलो येलो देख रहे हैं और इस तरफ बादल हैं। तो देनाली के इस रेंज में आए हैं, तो देनाली पहाड़ के इस रेंज में बादल बादल नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल में बारिश भी हो सकती है और ठंड भी बहुत है। बाहर मच्छर इतने हैं कि थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं ना तो मच्छर खा जाते हैं। तो हमने अच्छा हुआ था स्प्रे लिया, लेकिन स्प्रे भी यहाँ काम इतना नहीं करता। कल वाली वीडियो तो आपने देखी थी कि हमने कैंपिंग करके एक जगह पर रुके थे और वहाँ मैंने वीडियो को ख़त्म किया था, लेकिन उसके बाद हमने फिर सफ़र शुरू किया और वो सफ़र जो है हमारा जारी है। इस वक्त हम देनाली नेशनल पार्क को क्रॉस करके एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ आज तक कम लोग गए हैं, और वो ऐसी जगह है जहाँ सूरज के जो मंज़र है ना वो आप देख कर हैरान रह जाएँगे। तो बीच में अच्छी जगहें आएँगी, वो दिखाते चलेंगे, ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन तो ये सरप्राइज़ है, थोड़ी देर के बाद जब पहुंचेंगे तो मैं बताऊंगा कि हम कहाँ आए हैं। और कोशिश यही है कि अभी वन गो में हम वहाँ पहुँचें। 4 घंटे की ड्राइव है। थोड़ी देर के बाद तकरीबन दो घंटे के बाद हम फेयरबैंक्स में आएंगे। फेयरबैंक्स क्रॉस करके फिर हम जाएंगे उस स्पॉट पे जहाँ सूरज अपनी करतबबाजियाँ दिखाता है। और कुदरत के नज़ारों की क्या बात है, और अल्लाह ताला ने उस जगह को एक ख़ास मकाम दिया है, वो चल के देख। इस वक्त ये है 4:30 बजे का टाइम और इधर से सूरज उभर चुका है। तो जहाँ ये है इस जगह पे जाएंगे, और ये सड़कें आप देख रहे हैं हर तरफ हरियाली अपनी जगह पे, लेकिन भाई अंधेरे का कोई नामो निशान ही नहीं है फ़िलहाल। तो अच्छी बात है, अंधेरा ना होने की वजह से एक खौफ होता है ना, जो नींद आती है वो भी अंधेरे की वजह से ज़्यादा आने लगती है, वो भी नहीं आ रही, और इसके साथ रोशनी हमें सोने नहीं दे रही। यहाँ ये दोनों तरफ पहाड़ देखें, कितने बड़े मैदान हैं, और ऊपर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, उनके ऊपर बड़े बड़े दरख्त हैं। तो बस ये वाले नज़ारे एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह खैर खैरियत से पहुँचेंगे। दोस्तों, सारी रात गाड़ी चलाने के बाद ना अब सब दोस्त सो रहे हैं। हमारा ये पर्दा पता नहीं किधर है, और मैं भी अब गुड नाइट कर रहा हूँ। सुबह मिलते हैं। सुबह क्या, सारी रात सुबह ही सुबह है, तो अभी थोड़ी नींद कर लेते हैं, फिर फ्रेश होके मिलते हैं। तो रात को आपने देखा कहाँ से होते हुए हम यहाँ पहुँचे, और थोड़ी सी नींद भी की। अब इस जगह पे हैं, नाश्ता नहीं किया है, हाथ मुँह नहीं धोया, तैयार भी होंगे, और उसके बाद हमारा अगली मंजिल है यहाँ से भी तकरीबन 3 से 4 घंटे दूर। तो वो एक ज़बरदस्त जगह होगी, वहाँ जाके हम रुकेंगे, और वहाँ से फिर हम अपना सफ़र शुरू करेंगे दोबारा इस हाईवे के ज़रिए, और इस पूरी पट्टी को हम एक्सप्लोर करेंगे। जो ये हाईवे है अलास्का का, इसको एक्सप्लोर करेंगे। अब देखें सुबह में कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं जो इस रिवर की तस्वीरें भी ले रहे हैं, और इसके साथ ये जो ब्रिज है ना, वो बहुत ज़बरदस्त उसका व्यू है, तो तस्वीरें यहाँ बना रहे हैं, और इसके साथ ये कुछ अपनी मेमोरीज़ यहाँ ना महफूज़ कर रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ ड्रोन उड़ा रहे हैं, और ड्रोन के पीछे इतने सारे परिंदे लग गए कि समझ में नहीं आ रहा नहीं, इतने सारे परिंदे हैं इसके पीछे। अचानक ये चिड़ियाएँ हैं या कुछ और हैं, ये आज के इसके पीछे लग जाती हैं। तो यहाँ मेरे ख्याल में इंडिया से भी कुछ दोस्त हैं। भाई इंडिया से हैं आप? हाँ, इधर अमेरिका में रहते हैं या इंडिया में? अच्छा, गुड गुड। किस स्टेट से आए? ओके। सबसे हार्ड क्वेश्चन सिटीजन का तो ज़बरदस्त है रिवर भाई, रिवर का कोई ऐसा नहीं। अंदर गया तो हमें तो तैरना भी नहीं आता, और इसमें देखो कितना पानी है। सुबह सुबह कितने सयाह हैं यहाँ आरवी लगा के बैठे। थोड़ी ड्राइव करने के बाद एक और सीनिक व्यू पॉइंट ढूंढ लिया है। ये कैसे खुलेगा? तो ये नया सीन एक हम नहीं, मेरे पास चप्पल पहनी हुई है, और सांप भी हो सकते हैं। फिर दोबारा हम ड्रोन उड़ा रहे हैं यहाँ व्यू देखने के लिए। तो इस वक्त हम फेयरबैंक में पहुंच चुके हैं और अब मेरा फ्रेश होने का टाइम है, तो मैं जा रहा हूं शावर लेने। पहली बार गाड़ी के अंदर शावर लेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे फेयरबैंक को भी देखेंगे। फेयरबैंक में आज काफ़ी जो है ना ऐसे क्या कहेंगे फॉग बहुत नज़र आ रही है, जैसे सर्दियों का मौसम हो। तो ये है शावर एरिया, ठीक है। तो इस तरह से पहला मैं ही बंदा हूँ जो अभी नहाने जा रहा हूँ। फेयरबैंक में हम पहुँच चुके हैं। रात हमने रास्ते में गुजार ली थी, जैसे मैंने पहले बताया था। अभी देखो पूरे आसमान में ना धुआं ही धुआं है, स्मोक है बहुत ज़्यादा, कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा। और धूप भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पहाड़ों से फिर नीचे आते हैं तो यहाँ थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है। मौसम जो ठंडा मिला है ना, वो एंकरेज में भी ठंडा था, उसके साथ दिनाली में भी ठंडा था, थोड़ा आगे भी ठंडा था। लेकिन यहाँ इस वक्त दोपहर का टाइम है और धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। 1:18 और मेरे ख्याल में ह्यूस्टन में शाम के टाइम होगा। और पाकिस्तान में भी वॉलमार्ट से कुछ चीज़ें लेनी थी तो यहीं आरवी लगाई है। आरवी लगा के मैं तो नहा के तैयार हो गया हूँ। अब दूसरों के लिए ज़ाहिर है थोड़ी सी है कि वो तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर लिया आरवी में नहाने का, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है नहाना। छोटी सी जगह और उसमें सब चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन चलता फिरता ये एक घर है तो इसमें ऐसी चीज़ें तो यार कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन ये 2 या 3 लोगों के लिए बेहतर है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इसमें इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते। अगर आप जा रहे हो तो रात तो सारी रात दोस्तों ने नींद की, मैंने की नहीं थी। मैंने सुबह सिर्फ 1 या 2 घंटे नींद की और उसके बाद फिर मैं उठ गया। और अब जो है हम फेयरबैंक से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहां आप देखकर हैरान होंगे कि यहाँ कुदरत के कितने करिश्मे हैं, कितने नज़ारे हैं और कितना कुछ यहाँ बदला है दूसरी दुनिया से। इधर ऊपर इधर चलो, मुझे दे इधर रखो। ये इतना सारा सामान आना शुरू हो गया, आलू बस यही है। हाँ, बाकी रख दिया पीछे। नाश्ता 2:08 पे नाश्ता भाई वाले बना रहे हैं। यार सबसे ज़्यादा जो है ना मेहनत भाई कर रहा है, ये नो डाउट। और वो दूसरा सोया हुआ है भाई। ये है मगज़ अंडा। ये क्या है? मगज़ अंडा। तो अंडे में मगज़ होता है क्या? अच्छा, खाओगे तो बता लो। ओके चलो, क्या होता है। और यहाँ खाना पीना ये वो सब हो रहा है। अभी रात भी इसी तरह से हुआ था, कल भी इसी तरह से हुआ था और अब भी। और ये देखें सारा नाश्ता करके और गाड़ी में तेल वगैरह डलवा के अभी हम निकल चुके हैं एक अहम पॉइंट पर। और बीच में बड़े पहाड़ भी आने वाले हैं, तो उधर बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। गर्मी की वजह से ना दोस्तों ने शर्टें उतार दी हैं, इतनी गर्मी है बाहर। और एसी चल रहा है अभी पूरे इसमें आरवी के अंदर, तो मज़ा भी आ रहा है। लेकिन अभी आगे जा रहे हैं हम, देखते हैं क्या सीन बनता है।